जी नमस्कार। कुछ दिनों पहले खबर आई कि केरल में एक हथिनी को विस्फोटक पदार्थ दे करके मार दिया गया। बजाय इसके कि इसकी मौत के पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है, हमारी मीडिया ने इसे सांप्रदायिकता का रंग देना शुरू कर दिया। जिस राष्ट्र को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना लहू दे करके एक आज़ाद, एक सभ्य देश बनाया, उसी के आज सामाजिक ताने बाने को तोड़ा जा रहा है। खैर, ऐसा हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा तो ये जानना है कि आखिर इन जीव जंतुओं के मौत के पीछे, उनकी निर्मम हत्याओं के पीछे का असल कारण क्या है। हमारी लास्ट वीडियो में लिविंग प्लैनेट इंडेक्स रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भारत की लगभग 60% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। भारत में भी ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी जीव को इस प्रकार मारा गया हो। तो ये कहानी है वन्य जीव संघर्ष की, पर्यावरण की, प्रकृति की, हमारी। हर साल लगभग 80 हाथियों की मौत मानव वन्य जीव संघर्ष के दौरान होती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये पुष्टि हुई है कि 750 बाघ प्रति 8 वर्षों में मारे जाते हैं और मारे जाते आए हैं तो आगे भी मारे जाएंगे। क्यों, हमें क्या है इससे, हमें क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, यही नहीं, वन्य जीव संघर्ष में लगभग हजारों लोग मारे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को बचाने के चक्कर में लगभग हजारों लोग प्रतिवर्ष मारे जाते हैं। दोस्तों, तो जानते हैं कि आखिर वन्य जीव संघर्ष के पीछे का कारण क्या है। दोस्त, विकास की दौड़ में हमने प्राकृतिक संसाधनों का इतना अंधाधुंध दोहन किया है कि प्राकृतिक संसाधन इस चरम सीमा तक पहुंच गए हैं कि उनके नष्ट होने का कगार आ गया है। जानवर अपने आवासों से बेघर हो रहे हैं, उनके पास जंगल ही नहीं है रहने के लिए। यहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इनके बीच का जो कॉरिडोर है उसको भी क्षति पहुँचाई जा रही है। जो सरकार कभी वन्य जीव की रक्षा करती थी, आज डेवलपमेंट के नाम पे उन्हीं वन्य जीवों को उन्हीं के घरों से बेघर कर दिया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो है हम। क्योंकि हम तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है ना। वनों को काट करके खेतों में परिवर्तित कर दिया जा रहा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग इमारतें स्थापित करी जा रही हैं। खेतों को आकर के वन्य जीव जब उसका नुकसान करते हैं तो हम उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। इसके पीछे गलती किसकी है, वन्य जीव की या हमारी? ध्यान दीजिएगा, सरकार द्वारा 2010 में एक माधव गाडगिल पैनल बनाया गया हाथियों के संरक्षण हेतु, जिसमें 8 नियम मस्ट रूप से फॉलो करना जरूरी था, जिसमें के कुछ नियम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि वन्य जीवों को न मारा जाए,
और जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पे लेट गो या फिर नो गो जैसे बोर्ड लगाए जाएं ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। और जो लोग भी उन्हें मारते हैं, जिन पशुओं को उन्हें मारा जाता है, तो उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा वो कहते हैं ना उसको कि आपको दंड दिया जाएगा, तो वो दंड देने का प्रावधान किया गया, ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो और हाथी दांत का व्यापार होता है, तो जो लोग भी हाथी दांत का व्यापार करते हैं, जो लोग भी हाथी दांत का व्यापार करते हुए पकड़े जाएंगे, उन्हें जेल की सजा या फिर भरना पड़ेगा। परंतु आपको पता है इनमें से एक भी नियम का सीरियसली से पालन नहीं किया गया। सरकार ने नियम बना दिया लेकिन उसे फॉलो कौन करेगा? हमने तो फॉलो ही नहीं करना है। नियम बनते हैं तो बनने दो, जानवर मरते हैं तो मरने दो, मार डालो उन्हें, क्या जरूरत है? लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है हमारी प्रकृति पे, हमारे नेचर पे। हमने जो इससे पहले विवेचन किया उसके उन सब विवेचन करने का मूल मकसद क्या था? वो ये कि हमें सीरियस होकर के हमारे नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में ध्यान देना चाहिए और मिल करके एक साथ एकजुट होकर के इसकी रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हम सब मिल करके अगर कोशिश करेंगे तो हमें बहुत ही जल्द सफलता होगी। नियमों का पालन करेंगे तो हमारी प्रकृति जो इस वक्त खत्म होने के कगार पर आ गई है, शायद वो एक सही रूप में, सही तरीके से दोबारा से खिल उठे।